हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आज की काफी ज्यादा कमाल की लगी वीडियो का जो टाइटल वो है, ये है भारत के वो गुप्त मिसाइल जो किसी भी दुश्मन का आधे घंटे में सफाया कर देंगे। मतलब ऐसी मिसाइल हम भारत की देखने लगे हैं, मतलब जो भारत को एक पावरफुल और शक्तिशाली देश बनाते हैं और किसी भी देश को मिनटों में उड़ा सकते हैं। तो कौन से होने लगे ये मिसाइल देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं, भारत को ये पावर है कि किसी भी देश को मिनटों में उड़ा सकता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। टेक्नोफीरिया का वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दुनिया का हर देश छिपा कर रखता है अपनी खास मिलिट्री टेक्नोलॉजी। बड़े से बड़ा युद्ध भी हो जाए तो भी वह अपने इन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ना तो इस्तेमाल करता है ना ही दुनिया के सामने लाता है। और ऐसे ही कई मिसाइल, कई गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भारत ने भी दुनिया से छिपा कर रखा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई, जब भारत ने इन हथियारों को दुनिया से छुपा कर रखा है तो फिर आपको कैसे पता चला? तो आपको बता दें कि हमने ये वीडियो कई दिनों की रिसर्च के बाद बनाया है। हमने ये जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जुटाई है। और तो और, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि DRDO इससे भी कई गुना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी देश के अलग अलग जगहों पर आज के वक्त काम कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर लिया हो जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल सही है। आज भारत के पास ऐसी मिसाइल पावर है जो 30 मिनट के अंदर इस धरती से मानवता के हर सबूत को पूरी तरीके से मिटा सकती है। दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से धरती को मार्स में तब्दील कर सकती है। और हम ये बात बेसलेस, बिना सबूत के नहीं कर रहे हैं दोस्तों। क्या आपने ICBM मिसाइल के बारे में सुना है? यह ऐसी मिसाइल होती हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं, यानी सात समुद्र टप्पू पार। ये ना केवल पारंपरिक हथियार से हमला करती हैं, बल्कि ये परमाणु वॉरहेड भी कैरी कर सकने में सक्षम होती हैं। अगर ऐसे में कभी युद्ध हुआ और भारत ने इन मिसाइलों को निकाल लिया तो मात्र 30 मिनट के अंदर ही तबाही मच जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के मिसाइल के पास है ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम, जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम भी इन मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है हमारा भारत और कई देश, ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम एंड डिफेंस अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम, एकदम कम रडार सिग्नेचर, और इसकी वजह से एकदम खुफिया हो जाते हैं ICBM मिसाइल। आज की तारीख में हम आपको कुछ खतरनाक ICBM मिसाइल के बारे में अवगत करवाने वाले हैं जो 30 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को ख़त्म कर देने वाली हैं। और इनमें से भारत के पास जो कैपेबिलिटी है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है, और भी कुछ देश हैं जो अपने खास मिलिट्री पावर दुनिया से छिपा कर रखते हैं। लेकिन भारत जिस स्थान पर है वो आपको हैरान कर देगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 हुआ लॉन्ग 15 नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास हुआ लॉन्ग 15 है, यह नया ICBM मिसाइल है। ICBM सीन में नया आया है, लेकिन इसके पास जो रेंज है वो 13,000 और इसके जेड में अमेरिका भी आ जाता है। दोस्तों, ये इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इसका प्रोफाइल एकदम लो है, और इसकी वजह से बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक मिसाइल ये बन जाती है। इससे इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 4 R-362M2, यह रसिया की मिसाइल है। R-362M2 जो है उसे शैतान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एकदम कम क्रॉस सेक्शन के साथ आता है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है, रडार का जो क्रॉस सेक्शन होता है, उसको आप सरल भाषा में रडार सिग्नेचर भी कह सकते हैं। ऐसी मिसाइल जिसकी जो मारक क्षमता है, इसका जो छाप है, उसे रडार नहीं पढ़ पाती है, जिसके चलते ये रडार की नजरों से बिल्कुल गायब सा हो जाता है। रडार इन्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यह बेहद ही खतरनाक मिसाइल बन जाती है। लेकिन इस मिसाइल का यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, वह इसे दिखाना नहीं चाहता। शायद रसिया और नाटो का युद्ध हो, तब रसिया इसे भले ही निकाल ले, क्योंकि शायद इसे वह अपने तर्कस से तभी निकालना चाहता है जब किसी देश को पूरी तरीके से उसे खत्म करना हो। आपको बता दें कि अपने साथ 10 MIR भी कैरी कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये MIRV मिसाइल क्या होती है? तो आपको बता दें कि MIRV जब मिसाइल लॉन्च होती है एक मिसाइल, लेकिन जब ये एक मिसाइल टारगेट के नज़दीक पहुंचती है, तब ये उसके अंदर से कई मिसाइल निकल जाते हैं।
अलग अलग होकर एक ही देश के कई शहर पर या फिर एक ही शहर के कई टारगेट पर हमला कर सकने में सक्षम होते हैं। चलिए आगे वाले मिसाइल के बारे में जानते हैं। MG M25C टाइटन अमेरिका। यह अभी सर्विस में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी जो रेंज थी वो थी 15,000 किलोमीटर की, और इसके पास भी एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की क्षमता और कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक वेपन सिस्टम था ये। इन केस कभी इस प्रकार का सिचुएशन आया जहां पर अमेरिका को इस प्रकार के फायर पावर का इस्तेमाल करना लगा, तो वह अपनी सबसे एडवांस मिसाइल को दुनिया को नहीं दिखाएगा, वह पहले इसे छोड़ने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए दोस्तों, 15,000 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल को जब अमेरिका रिटायर कर चुका है तो उसके तरफ कौन कौन से मिलिट्री वेपन होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DF-41 चाइना का DF-41, जिसको डोंगफेंग 41 भी कहते हैं, यह चाइना का मास्टरपीस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का घातक हथियार है। इसके रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसकी एबिलिटी जो है मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की है। आराम से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेशन कर सकता है और अपने ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम के तहत यह सीधे तबाही मचा सकता है। चीन के पास भी कई गुप्त मिलिट्री वेपन मौजूद है जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि 5 और अग्नि 6 भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत भी इस लिस्ट में शामिल है जो दुनिया को 30 मिनट में तबाह करने की क्षमता रखता है। वो अलग बात है कि हमारी रेंज अभी थोड़ी कम है, लेकिन हमारी रेंज इतनी है कि हम पर जो भी देश आंख उठाएगा, भारत जो की रेंज है, भारत बताता नहीं है, वो अलग बात है। हम उसे तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। भारत के पास मौजूद अग्नि 5 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 9 सक्सेसफुल ट्रायल को पास कर चुकी है और अप्रैल 2012 से 2022 तक कई बार इसे टेस्ट भी किया गया है और 2022 में इसे रात में छोड़ा गया था। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये अपने साथ मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है। यह न्यूक्लियर कैपेबल है, यानी यह एक साथ ही दुश्मन के कई जगहों पर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें MIRV टेक्निक है। इसके अंदर भी ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी हमें एडवांस होने की जरूरत है। इसके बाद भारत के तर्कस में एक और ICBM मिसाइल है जिसको लेकर अमेरिका तक खुलासा कर चुका है। अब भारत के पास ये मिसाइल है या नहीं, ये भारत सरकार ही जानती है। अमेरिका ने कई बार ये दावा किया है कि असल में गुप्त तरीके से इस मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन इसको तभी निकालेगा जब युद्ध में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना हो, क्योंकि इस मिसाइल को इस्तेमाल करना मतलब दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर देना। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये भी MIRV मिसाइल है जो एक साथ 6 से 8 जगहों को निशाना बना सकने में सक्षम है। इसके अंदर ऑटोनोमस गाइडेंस मैकेनिज्म भी है जिसके चलते यह अपने रास्ते को बखूबी तय करता है और अपने टारगेट को हिट करके ही मानता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताए गए इन मिसाइल में आपको सबसे घातक और खतरनाक हमें नाम बताने की भी जरूरत है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। क्योंकि सूर्य के बारे में है कि 12 से 16,000 किलोमीटर उसकी रेंज है, 12 से 16,000 और भारत वो शो नहीं करता, और जिस दिन भारत ने वो शो कर दी, क्योंकि जरूरत नहीं है, जिस दिन वो भारत ने शो कर दी उस दिन चाइना सीमा पे चूं भी नहीं करेगा। चाइना से डरता, मुझे पता है, लेकिन अभी फिर चूं कर लेता है सीमा पे। उसके बाद ये जो मिसाइल थी ना, ये वाकई में इनके आगे कोई डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। न्यूक्लियर चीज जो है ना, 23-27 मैक की स्पीड से आती है, और ऊपर जाकर न्यूक्लियर जो चीज होती है ना वो रुकती ही नहीं है। सीधी सी बहुत कम देश है मेरे ख्याल से, नहीं रोक सकते भाई, वो बहुत मुश्किल। दूसरी मिसाइलें रुक जाती है छोटी मोटी, बिल्कुल ये वाली न्यूक्लियर नहीं रोक सकती, बहुत मुश्किल है। तो गैस, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार